मैं आपको क्यों प्रपोज करूंगा, आपका आइडियल आपकी आंखों से नजर आ रहा है, आपका चश्मा बता रहा है कि आपका आइडियल चौरी शुजात है। मैं और मेरे जो कजन्स थे वो पिछली दफा हम लोग घूमने गए थे बाहर, उन लोगों ने हमें अंदर कर दिया। अच्छा आप बाहर गए और उन्होंने अंदर कर दिया? अंदर कर दिया क्योंकि बगैर क्लियरेंस के हम लोग निकल गए। ये हुआ था, ये पता नहीं क्या होता है। और वहाँ पे जो अल्लाह माफी दे, तौबा तौबा भाई, बहुत खराब तलाशी होते हैं। अच्छा जब हम आपके बचपन में जाते हैं नसीम विक्की साहब, तो आपने बहुत मेहनत की और अपने अब्बू का बहुत साथ दिया। एफए कर रहे थे आप जब तक आपने अपने अब्बा के साथ मेहनत की? नहीं, पहली क्लास में भी दाखिल भी नहीं हुआ था। शुरू से लेके और बारहवीं जमात तक यही होश नहीं थी कि मैंने करना क्या, तब मैं काम कर रहा था। एक तो ये की मैं अपने बाप के साथ नान लगवाया करता था जी, स्कूल जाने से पहले नान लगवाने हैं, फिर उसके बाद जाके डिस्ट्रीब्यूट करने, सर के ऊपर रख के जाके देकर आने, फिर उसके बाद स्कूल जाना, फिर उसके बाद कॉलेज जाना है, फिर उसके बाद सडनली पता चलता है कि मेरे अंदर एक विट है, मतलब मैं कुछ कर सकता हूँ। मैंने अपनी जब मदर को कहा ना कि मुझे ये काम करना, तो उन्होंने इजाजत नहीं दी। फिर एक दिन मुझे कहती है कि ठीक है कर लो। अच्छा, फिर मैंने कर लिया। फिर उसके एक साल बाद मैंने कहा अम्मा जितनी झुकती थी खत्म हो गई। सही है, अब आगे तो बहुत लोग मुश्किल हैं जिनके साथ काम करना है। कहती नहीं, अब तुमने यही करना है। मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप सब लोगों के लिए। ये जो लड़के बसों की सीटों पे नंबर लिख के आते हैं, ये सारे बंद थे, मैंने ट्राई किए। फिर मजबूरी में मैं अपना नंबर लिख के आई हूँ। हमारे बीच जो वादे कसमें हुए थे कि हम दुनिया वालों के सामने एक दूसरे की इज्जत रखेंगे, कहाँ है वो इज्जत? मैं सब भूल गया, मैं इसका कफारा दे दूंगा। Oh my God, Vicky, Vicky. मुझे लग रहा मैं किसी की खबर लेने के लिए आया हूँ। Vicky, बेटा मुझे ये दवाई दे देना। Vicky, क्या तुम? I love the way she said Vicky. ये लड़की बहुत खुल के हंस रही है, यकीनन अंदर से टूटी हुई है। Vicky. हाँ जी। यार मैं लगता मैं तो मुंडा, मैंने को सौदा लैंड भेजे। ऐसे मरीज डॉक्टर के पास जा कहते हैं, डॉक्टर मैंने नहीं बचना। आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा कि मीरा तुम मेरी दुनिया हो। तुम इतना ही कह दो कि मीरा तुम मेरा गांव हो। नहीं मीरा, ना तुम गांव हो ना तुम दुनिया हो। फिर क्या हूँ? तुम एक बीता हुआ अफसाना हो। ओह माय गॉड, आप फिल्मों में काम ना करो, अब आप घरों में काम किया करो। ये जो इनडायरेक्टली तुमने मुझे प्रपोज किया है ना, बस कर दो। मैं आपको क्यों प्रपोज करूंगा, आपका आइडियल आपकी आंखों से नजर आ रहा है, आपका चश्मा बता रहा है कि आपका आइडियल चौरी शुजात है। मैं और मेरे जो कजन्स थे वो पिछली दफा हम लोग घूमने गए थे बाहर, उन लोगों ने हमें अंदर कर दिया। अच्छा आप बाहर गए और उन्होंने अंदर कर दिया? अंदर कर दिया क्योंकि बगैर क्लियरेंस के हम लोग निकल गए। ये हुआ था, ये पता नहीं क्या होता है। और वहाँ पे जो अल्लाह माफी दे, तौबा तौबा भाई, बहुत खराब तलाशी होते हैं। अच्छा क्या करते हैं, आपके ये बाल खराब कर दिया उन्होंने? भाई मेरे झंझूर दिया है, मैं कहता हूँ कि हमारा ज़मीर भी झंझूर दिया था। ये आजकल जो मामला हो रहे हैं, मुझे पता है आप ये बात कहना चाहेंगी, मैं वो शेर हूँ, मेरे दहाड़ भी खतरनाक है और मैं अपने मकसद में कामयाब होके रहूँगा, मुझे कोई भी नहीं हटा सकता है। आपने तो मुझे ड्राई दिया, धाड़ में एक दफा धाड़ फिर से हो जाए, मैं शेर हूँ। ये बहुत जोर लगता है, चलो। और ये इतने खतरनाक धाड़ है। अच्छा ये शेर बिल्ली से 2-3 महीने बड़ा है। वो सामने मस्टर्ड कलर वाली शर्ट वाले लड़के को देख रहे हो? जी जी। कितना मायूस है ये, मुझे लगता है इसकी जिंदगी में एक ही बंदी है, और पता है कौन सी? कौन सी? पाबंदी। यार ये तो देखिए, फिर इस पे एक ही बात बनती है, मैं एक गाना आपके लिए गाना चाहूंगा, लेकिन उसके लिए मिलट
मेरे एक शर्त थी क्या कि आपने उस पे रक्स करना है थोड़ा सा, आपके गाने पे मुझे रक्स करना है, अगर कर ले तो अपना म्यूजिक पलका दा चिमटा बजा की तेरे नाल मुहब्बत पाकी मैं लुटी गई सोनिया भी मैं लुटी गई पलका दा चिमटा बजा की तेरे नाल मुहब्बत पाकी मैं लुटी गई सोनिया भी मैं लुटी गई मैं कहता हूँ लव यू भाई क्या बात है। क्या होता है आप जब जाते हैं तो एक सीरियस आप नसीम विकी बन जाते हैं या उसी रोल में रह के आप कोई एक आधी जुगत और वापस रिटर्न भी जुगत मिलती है या नहीं? नहीं, मैं सीरियस होके जाता हूँ, वो मुझे सीरियस लेते नहीं है। उनको वही होता है कि ये वही बंदा है जो टीवी में भी देखा है, जो थिएटर पर भी देखा है, तो ये मतलब कोई ऐसी बात ही करेगा। बच्चे भी मतलब आपको ईजी लेते हैं, यार मजाकिया सा बंदा है, हम तो किसी से उधार पैसे मांग रहे हो यार, तेरी मजाक दी आदत ना गई। आपका तो कोई ऐसा मसला नहीं है? नहीं, नॉर्मल एंट्री एंड नॉर्मल एग्जिट, ये आसान है। जिंदगी आसान है। दो एक चीजें अगर पाकिस्तान में ठीक करनी है आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या चीज ठीक करनी? सबसे पहले झूठ और मुनाफकत बहुत जरूरी है। झूठ बोलते हैं बहुत ज्यादा, मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं आपको इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ बिकॉज आप नहायत इंटेलिजेंट इंसान। बहुत शुक्रिया रमेश भाई, आप खुद बहुत अच्छे हैं इसलिए मतलब इज्जत दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। exactly. क्योंकि आप बात से बात निकालना, ये नहीं है कि रट्टा मार के आए हैं रट्टा, इसको चार जुगत इसलिए लगानी है बिकॉज रट्टे वाले जुगते आते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। और ये ज्यादा इसलिए अच्छी है ना, बात से बात जो निकलती है वो है ह्यूमर, उसका मजा ज्यादा आता है। बिल्कुल, तो ये प्रैक्टिस भी होती है या क्या आपको हमारी तरह के लोग जो है वो प्रैक्टिस नहीं? मतलब ये गॉड गिफ्टेड होता है, फिर अल्लाह रास्ते में कोई ना कोई मटेरियल दे ही देता है।